हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ दिस कलर पेंसिल ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वाले ट्यूटोरियल में आपको मैं ये वाला एरिया शेड करने सिखाऊंगा विद द कैमलिन कलर पेंसिल्स। और उसके लिए मैं सिर्फ ये चार पांच शेड्स यूज करने वाला हूँ, पांच शेड्स हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको शेड करने का हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम इसके पूरे एरिया को डॉम्स की जो स्किन शेड वाली जो पेंसिल है हम उसके साथ अच्छे से कवर कर दें। और इसके साथ लेयरिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है इसके स्ट्रोक्स के बीच में ज्यादा स्पेस ना बचे, आप पूरे एरिया को अच्छे से बारीकी से कवर कर दो। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने सर्फेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करना पेंसिल की टिप के साथ, नहीं तो उस एरिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने के कारण उस एरिया के जो टूथ है वो डैमेज हो जाएंगे और फिर आप उसके बाद उसको फर्दर ब्लेंड नहीं कर पाओगे। आपका वर्किंग स्टाइल क्या रहता है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पेंसिल्स की क्वालिटी और पेपर का सरफेस कैसा है। तो इसके ऊपर फर्स्ट लेयर क्रिएट कर चुके हैं, अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर क्रिएट करेंगे। और उसके लिए मैं कैमलिन की ये ब्राउन शेड यूज करने वाला हूँ। और साथ ही में हम इसके फेस के जो लेफ्ट साइड में जो आउटलाइन करके रखी हुई है उसको भी हम थोड़ा सा लाइट कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी डार्क लग रही है मुझे। और इसकी जगह हम ब्राउन कलर पेंसिल के साथ इसको आउटलाइन कर देंगे। तो सेकंड लेयर में हमने लाइटेस्ट ब्राउन की एक लेयर क्रिएट कर ली है। अब इस वाली साइड में हल्की सी डार्क ब्राउन वाली शेड यूज करूंगा और ये वाली थोड़ी सी वार्म शेड में है जो कि हल्का सा रेडिश टिंट देगा। तो सभी लेयर्स क्रिएट करने के बाद अब हम सेकंड लास्ट लेयर क्रिएट करेंगे। और इसके लिए मैं कैमलिन की स्किन टोन वाली पेंसिल यूज करने वाला हूँ और इसको मैं बहुत ही धीरे से और रोलिंग मोशन में इसको यूज करूंगा। समटाइम्स इसको मैं टू एंड फ्रो मोशन में भी यूज करूंगा। बस ध्यान रखना है कि आपने इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना, कोशिश कीजिए कि आप इसके ऊपर धीरे धीरे ब्लेंडिंग कर पाओ। और कहीं कहीं पर आप इसके साथ ही आप इसके ऊपर वैसलीन जेली या फिर जॉनसन बेबी ऑयल या कोई भी ऐसा सॉल्वेंट यूज कर सकते हो अगर आपको कहीं पर ब्लेंडिंग करने में मुश्किल हो रही हो। तो वैसे अगर आप इसको ब्लेंड करने के लिए अप्सरा ग्लास मार्किंग पेंसिल का भी यूज करोगे तो भी वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। और साथ ही साथ आप इसके साथ हाइलाइट्स भी दे सकते हो। बस जहाँ पर आपको हाइलाइट चाहिए वहाँ पर आप थोड़ा सा प्रेशर के साथ वर्क कीजिए इसके साथ, और जहाँ पर आपको ब्लेंड करने में थोड़ी सी हेल्प चाहिए वहाँ पर आप इसको लाइटली यूज कीजिए। तो फाइनली ट्यूटोरियल यहीं पर कंप्लीट होता है। इस सीरीज के नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में आपको मैं लिप्स को शेड करना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद बाकी के एरिया को शेड करना सिखाऊंगा और लास्ट में हेयर्स को। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।